राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज बात करेंगे न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 81 की बीस्टेक ग्रैंड स्पा और अंदाता सोसाइटी की समस्याओं की। बीस्टेक ग्रैंड स्पा सोसाइटी और अंदाता सोसाइटी सीवरेज कनेक्शन की समस्या से जूझ रही है। लोगों का कहना है कि एसटीपी का पानी भी बड़ी समस्या है। टैंकर से इस्तेमाल किए गए पानी को भी बाहर भेजा जाता है। हर दिन पैसे देकर के सोसाइटी से एसटीपी का पानी टैंकर से बाहर भेजा जाता है। दोनों सोसाइटी की कोई ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है। टूटी सड़कें, जाम और टोल की भी समस्या बड़ी चुनौती है। दोनों सोसाइटी की और क्या कुछ समस्याएं हैं, देखिए हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में। राम राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज हम बात करेंगे न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 81 की बेस्टेक की सोसाइटी ग्रैंड स्पा और अनंदा की, जिसमें कि तमाम जो लोग हैं अपनी मूलभूत सुविधा के साथ साथ इंटरनल जो रोड है उसके लिए भी कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम सोसाइटी के लोग हैं। मैं इनसे ही जानूंगा कि आखिरकार इन लोगों को जब इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था तो तमाम जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं दिखाई गई होंगी और कहीं ना कहीं तमाम जो डेवलपमेंट है वो वादे किए होंगे, लेकिन इस सोसाइटी की मैं बात कर लूं तो इनका अपना जो इंटरनल रोड है वो भी काफी खराब है, तो वहीं पर आवारा पशु एक बड़ी समस्या है और तमाम जो लोग हैं सोसाइटी के मेरे साथ हैं इन्हीं से जान लेता हूं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं सीए कमल चौधरी, आनंदा के सेक्रेटरी। चौधरी साहब, क्या क्या जो मेजर समस्या है जिनको आप तमाम जो लोग हैं फेस कर रहे हैं? यहाँ पर एक सबसे मूलभूत सुविधा की कमी है, वो है सीवरेज लाइन की। बिल्डरों द्वारा सरकार ने बिल्डरों से ईडीसी आईडीसी को कलेक्ट किया है पिछले 10 सालों में, लेकिन यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है। आज भी वो एसटीपी वाटर टैंकरों द्वारा या बाहर से हमारी जेब से मेंटेनेंस के पैसे दिए जा रहे हैं। तो एक तो ये बहुत मूलभूत सुविधा की कमी है। सेकेंडली, यहाँ पर आवारा पशुओं बहुत ज़्यादा हैं। सोसाइटी के गेट पे आवारा पशु खड़े रहते हैं। MCM जो हाउस टैक्स लेती है उनसे हमने पहले भी निवेदन किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि ये जो आवारा पशु की समस्या है इसे हटाया जाए। रेसिडेंट को बहुत दिक्कत है। पिछले दो महीनों में कुछ वरिष्ठ नागरिकों को भी आवारा पशुओं ने अटैक किया है, तो उससे भी काफी समस्या है। सर, जिस तरीके एसटीपी एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि टैंकर के द्वारा उस पानी को बाहर जो है डिस्पोज किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये सोसाइटी के निवासियों पे आर्थिक दबाव भी डालता है। और आज के दिन हम सुनते हैं कि सरकार गांव में भी सीवरेज सिस्टम पहुंचाना चाहती है और हम यहाँ एक ऐसे एरिया में खड़े हैं जो सरकार ने बिल्कुल न्यू गुड़गांव के नाम से बसाया है और वहाँ पे ये बेसिक सुविधा भी नहीं है। और इसके अलावा जैसा कमल जी ने बताया आवारा पशु, तो इसमें हमारा अनुभव ये रहा है, हम 1 साल से ज़्यादा से प्रयास कर रहे हैं पर MCM जब से बना है वो कुछ भी ऐसा कुछ प्रभाव डालने में नाकाम रहा है। और MCM कहता है ये GMDA देखेगा, GMDA कहता है MCM देखेगा, तो निवासी इसी में, तो दोनों डिपार्टमेंट अगर मिलके काम करें, क्योंकि आप इस रोड पे जाके देखोगे तो आपको हालात ऐसे लगेंगे कि 100 गायों का झुंड अगर आप एक हाथ में थैला लेके निकले तो आपके ऊपर हमला कब कर दे पता नहीं। हमारे सोसाइटी के 2 बुजुर्ग अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था उनको, तो हमने MCM कमिश्नर साहब से अभी भी अपील की है। तो जैसा हमारे मोदी जी का सपना है एक विकसित भारत बने भारत, तो सबसे पहले हमें ये समस्याएं सोल्व तो करानी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा। आप वर्किंग वुमेन हैं और आने जाने में किस तरीके से देखते हैं, महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, उसको किस तरीके से आप देखते? मैं सुचारिता, आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी एट आनंदा। सो फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव मुझे लगता है कि काफी स्ट्रीट लाइट्स और लग सकते हैं ताकि वुमेन एंड चिल्ड्रन फील सेफ, कि चाहे वो रात को अंधेरा भी हो जाए देन दी शुड बी एबल टू क्रॉस द रोड विद यू नो विद दैट सेफ्टी इन माइंड, राइट? सो एंड द अदर थिंग इज कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ निल है, मतलब अदर देन इन ड्राइव, ओला, उबर, ब्लू स्मार्ट कुछ नहीं चलता है। और इसकी वजह से हर दिन मुझे 1200 रुपये लगते हैं हर दिन का मुझे आने जाने में। सो ये वाले अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। टोल का जब होगा तब होगा, लेकिन फिर ये भी एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है हमारे लिए। न्यू गुड़गांव इसको कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा का जो अभाव है वो देखा जाता है। उसके बाद किस तरीके से आपको महसूस होता है, क्योंकि अपनी जीवन की जो गाड़ी कमाई है वो आप लोगों ने यहाँ न्यू गुड़गांव में इन्वेस्ट की?
एब्सोल्युटली, मतलब हम ईएमआई देते हैं तो हर बार मुझे लगता है कि किस चीज के लिए हम ईएमआई दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मतलब अच्छा खासा परसेंटेज दे रहे हैं एंड उसके बाद भी मुझे ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती है, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, एसटीपी सिस्टम की बात कर लेते हैं, या फिर जिस तरीके की पानी की भी बड़ी समस्या है, जिस तरीके से यहाँ के जो आरडब्ल्यू के प्रधान है उन्होंने अभी जिक्र किया। देखिए, बहुत से ऐसे विषय हैं, किसी भी शहर को सुंदर बनाने के लिए उसमें बेसिक जो सुविधाएं वो होनी चाहिए। शहर बसा दिया गया है लेकिन बेसिक सुविधाओं की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे उसे बिल्डर की मनमानी कहें या नगर निगम मानेसर के अधिकारियों की लापरवाही कहें। 5-5 अथॉरिटी यहाँ बनाई हुई है, जब यहाँ ये क्षेत्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ गया तो फिर 5 अथॉरिटी की यहाँ जरूरत क्या है? एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये सारे अधिकार दे दिए जाए ताकि लोग अपनी बात एक अथॉरिटी के पास जाकर मजबूती से अपनी रख सके। अब नगर निगम के पास जाएंगे तो बोलते हैं कि जीएमडी के पास चले जाओ, जीएमडी के पास जाएंगे तो बोलते हैं एचएसवीपी के पास चले जाओ, उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं एचएसआईडीसी के पास चला। जब एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये क्षेत्र है तो 5 अथॉरिटी क्यों? ये सारे काम एक अथॉरिटी को देकर ताकि लोग सुचारू रूप से अपनी बात, नगर निगम का कमिश्नर है वहां, उनके तमाम अधिकारी है, उनके समक्ष रख सके। अब ऐसे तो 5-5 अथॉरिटी में लोग चक्कर काटते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारा काम करेगा कौन। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है कि ये सारी अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दी जाए ताकि सही जगह पर इंसान अपनी बात रख सके और अपने काम करा सके। मैम, किस तरीके से आप देखते हैं, लगातार हम बात करें, डेवलपमेंट की बात कही जाती है, जिस तरीके से अभी जिक्र किया 5-5 अथॉरिटी हैं जिनको ये पूरे न्यू गुड़गांव की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ काम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब अंदर सोसाइटी में आते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब एनवायरनमेंट है, बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं यहाँ से तो महिला सुरक्षा की अभी बात कर रही थी मैडम, तो उसमें क्या है कि आप पैदल नहीं जा सकते हैं, ये मोबाइल स्नैचिंग, जितनी हमारी मेड्स हैं बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, पैदल जाते हैं वो यहाँ से बाहर निकलती हैं, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, तो कोई पीसीआर वैन या इस तरह से पुलिस पेट्रोलिंग रेगुलर वो दिखाई नहीं देती यहाँ पे। दूसरा, पशुओं की समस्या वो बताया ही है ऑलरेडी, तो वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आप कहीं पे भी निकल नहीं सकते हैं, सोसाइटी के बाहर जैसे ही जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। दूसरा, लुक भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी आता है जब बाहर से तो ये लगता है कि कहाँ आ गए हैं हम, अंदर आने के बाद ठीक है बहुत अच्छा है लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो देखते हैं इतनी गाय भैंसों के बीच में से निकल के और टूटी सड़क पे से जब आते हैं तो कोई भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। जब इन्वेस्ट किया था तमाम चीजें लोग देखते हैं तब ये तमाम चीजें आप नहीं, तब तो था कि बन रही है हो जाएगा ठीक, यही सोच के किया था तो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इतना कोई खास डेवलप कर रहे हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। सर, आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, क्या क्या जो खामियां हैं जो आपको लगती है जो सबसे पहले उनका जो है उनको दुरुस्त किया जाए, बेहतर सुविधा आप लोगों को मिल सके? देखिए, आपका पिछला कार्यक्रम जो हुआ था वॉइस ऑफ गुरुग्राम का, हम लोगों ने आवाज उठाई थी, बहुत चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई। सबसे पहला एक सीवरेज हमारे भाई ने बताया, एसटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हमें टैंकर से पानी भेजना पड़ता है, उसके लिए हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ये मेजर कॉस्ट है, तो सीवरेज लाइन जो है होनी चाहिए। और मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि नखरोला गांव से नवादा एक सीवरेज लाइन पड़ रही है जिसमें हमारे सोसाइटी को भी कनेक्शन दिया जाए जिससे हमारी ये पानी की समस्या, एसटीपी वाटर की समस्या दूर हो। दूसरी जो समस्या यहाँ पर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर हम लोग जीरो है, यहाँ बसें नहीं चलती है, एक आध बस चलती होंगी, डीएमडीए वाले बोलेंगे ये रूट पे ये बस है, लेकिन यहाँ पर ये अगर न्यू गुड़गांव में आपने रहना है तो आपके पास एक घर में 2 कार होनी जरूरी है तभी आप कहीं आसपास जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ ना तो ई रिक्शा चलती है ना ही इंडिविजुअल ऑटो रिक्शा चलते हैं कि मैं यहाँ से सफायर 83 चला जाऊं, सफायर 90 चला जाऊं कहीं जाने के लिए, तो आपकी जो डिपेंडेंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जीरो होने के कारण आपके अपने पर्सनल कार्स पर है। तीसरी सुविधा जो यहाँ चाहिए सिग्नल्स, आप जितने सर्कल देखेंगे वहाँ सिग्नल नहीं है। अभी यहाँ पर सुंदर भाई साहब ने पुलिस एसीपी से हम लोगों की मीटिंग हुई थी 3 महीने पहले, तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगा दिया गया है, डिप्लॉय किया गया है,
लेकिन हर सर्कल पे ये प्रॉब्लम है, हर जगह होना है। चौथी जो समस्या आ रही है, जब हमारे युवा साथी अपने ऑफिस जाते हैं तो रामपुरा चौक पर ये बड़े बड़े ट्रॉले खड़े रहते हैं जो ट्रैफिक जाम कर देते हैं। इन ट्रॉलों को ट्रैफिक पुलिस इंजाम करे, इनको जो है ये रामपुरा हयातपुर रोड पर चलना इनका बंद करे, और ये मानेसर के थ्रू ये आगे केएमपी रोड पर जाए तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और ये समस्या से निजात मिलेगी। आवारा पशु सबने बोला, एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाय बच्चों को मार देती हैं। और सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं वहां पर आप अपनी ग्रीवेंस रख चुके हैं लेकिन अभी भी समाधान नहीं हो पा रहा, उसकी पीछे की क्या वजह मानते हैं? नहीं, जैसा अभी सुंदर भाई ने आपको बताया कि भाई अगर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ डिक्लेयर हो गई है तो सारे अख्तियार उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी जाए ताकि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोग जाके अपनी अपनी समस्याओं को रख दें। हमेशा यही होता कि हम एक डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो कहता है ये हमारा काम नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, वो कहता है नहीं इसमें इतना रोल हमारा है बाकी रोल दूसरे डिपार्टमेंट का है। एक कॉमन मैन के लिए या एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जगह जगह जाए और इस तरीके से एक एक जगह जाके अपनी एप्लीकेशन को दे। सारा का सारा चीजें यही एक सिस्टम होता है कि हर जगह ये सिस्टम है, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी सुविधाएं मिल जानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं और भी यहाँ की हैं कि एक रोड यहाँ बन रहे हैं, काफी डेवलपमेंट हुआ पिछले एक दो सालों के अंदर, काफी रोड बन रहा है ये रामपुरा चौक से पटौदी आगे का, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद एक नए गड्ढा जरूर मिलता है उसके अंदर, हम गाड़ी को चला ही नहीं सकते उसके अंदर, जरा सा भी अगर स्पीड बढ़ाई वो खड्ड गड्ढे के अंदर जाती है। तो कम जब वो बन रहे हैं तो जो लोग रोड्स बना रहे हैं उनको कहा जाए कि इन गड्ढों को भी हाथ की हाथ भरे। एक और समस्या, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है, रामपुरा चौक से पटौदी तक के लिए कोई इलेक्ट्रिकल रिक्शा वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है। किसी दिन गाड़ी खराब हो, मुझे अगर ऑफिस जाना है तो मैं 1200 रुपए की अपनी कैब बुक करा के जाऊंगा। मैं ये सोचूं मैं या मेरा कोई और भाई इतना पैसा ना खर्च करना चाहे, तो उसके लिए रामपुरा चौक तक जाने के लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है। और सिग्नल वगैरह भी सर्कल के ऊपर अगर पुलिस ना हो, रोज मुझे दिल्ली जाता हूँ अपने ऑफिस में आसफली रोड पे, वो अगर पुलिस वहां नहीं होती तो मेरे 15-20 मिनट जरूर खराब होते हैं उसके अंदर। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, सीवेज वगैरह भी ये सब हैं जो अभी न्यू ग्रह है जी। हाँ, तब सभी लोग सभी ग्रसित है उससे। तो इन चीजों पे अगर प्रशासन ध्यान दे तो इसकी और वैल्यू बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं भी और अच्छी मिलेगी। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, और भी लोग हैं क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, भाई साहब आप ही से बात कर लेते हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई है, आप भी उसी का एक पार्ट है क्योंकि आप भी उस तमाम चीजों को फेस कर रहे हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जो इन तमाम चीजों से जूझ रहे हैं आज के समय? अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बाकी तो हमारे जो साथी भाई हैं, मजीद भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और भी हमारे जो हैं, तो बेसिक समस्याओं के साथ अगर आप देखो तो मुझे, मैं क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हूं, मुझे प्लानिंग की बड़ी कमी लगती है इस एरिया में। जब हमें पता है कि जो अप्रूवल होते हैं सोसाइटी के कि कितनी सोसाइटी हम अप्रूव कर रहे हैं उसमें कितने फ्लैट बनेंगे, तो लाखों परिवार मुझे लगता है शिफ्ट हो चुके हैं कोरोना के बाद। तो अभी पहले हम एक गोल चक्कर बनाएंगे, फिर हमें याद आएगा हमें रेड लाइट बनानी है, फिर बाद में याद आएगा कि हमें फ्लाईओवर बनाने हैं। तो ये प्री प्लान हम पहले क्यों नहीं कर पाते, मतलब ये, और इसके लिए रोज, जैसे उन्होंने बताया अभी भाई साहब ने, कि दिल्ली जाते हैं, मैं भी गुड़गांव जाता हूं, तो अगर आप सोचो कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा तो कभी कभी डेढ़ घंटा भी लगता है क्योंकि चौक पे जाम ही जाम है। तो मुझे लगता है प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है। और बाकी जो बेसिक समस्याएं हैं, रोड है जैसे रामपुरा से, जो मैं भी मतलब मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, लेकिन तो गड्ढे भी हैं और ये जो ट्रेलर्स हैं जिनका मुझे लगता है रेजिडेंशियल एरिया में इनका मूव ही नहीं होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल मोमेंट है उनको मानेसर के थ्रू रूट किया जा सकता है। बाहर निकलो तो बच्चों का सेफ्टी का डर लगता है कि बाहर निकलेंगे तो ट्रेलर है आपकी, मतलब गाड़ी हो तो भी डर लगता है क्योंकि उनका एक अलग माइंडसेट होता है। तो ये लाखों मेरे ख्याल से काफी परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। आप देखो सेक्टर 86, 90, 92, हमारी आनंदा बेस्टेक की 2-3 सोसाइटी है, सिग्नेचर भी है ग्रैंड स्पा बेस्टेक आनंदा के, तो इन ये सफर कर ही रहे हैं। जब हमें फ्लैट दिए गए थे तो बड़ा ही एक फ्लैशी दिखाया जाता है, तो बिल्डर ने तो फिर भी एक अंदर आओगे तो फील होता है, बट जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गुरुग्राम, मतलब मुझे कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूँ अपने भाई बंधुओं को कि यार ऐसा लगता है गाँव में ही रह रहे हैं। तो गांव हमें भी पसंद करता हूं, बट आपके आपको गांव गांव में ही रह लेंगे फिर हम जाके, मुझे लगता है कभी कभी गांव ज्यादा बेटर है इस एरिया से जो आज की हालात है। कुछ काफी डेवलपमेंट तो हो गई है बट बहुत जरूरत है अभी, तो ध्यान देने की जो भी अथॉरिटीज है मेरी उनसे निवेदन है आपके माध्यम से कि बेसिक चीजों को ठीक कर लो। ब्यूटिफिकेशन भी जरूरी है, वो बाद में होना चाहिए, जैसे सेफ्टी लाइट है, रात को बाहर निकलो तो डर लगता है, जैसे अभी सुची जी ने बताया, हमारी जो मेरे रेजिडेंट है
कि बाहर रात को निकलो तो डर लगता है क्योंकि लाइटें नहीं होती, तो आप कैसे लगता है कि आप आइसोलेशन में रह रहे हैं? तो बस यही कहना चाहूंगा अंत में कि जो अथॉरिटीज हैं वो ध्यान दें, और जो रोड की क्वालिटी है, बीच बीच में गड्ढे हैं, नए रोड टूट रहे हैं, तो उन लोगों से एक बार आके उनको आने की जरूरत है, यहाँ देखने की कि हो क्या रहा ग्राउंड। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं धरातल पर जो समस्या वो कहीं ना कहीं वो नासूर बनती जा रही है। सर एक बार परिचय दे दीजिए। अनिल बंसल हूँ मैं, वेस्ट अगनंदा में रहते हैं जी। बंसल साहब, क्या मुख्य समस्या देखते हैं? तीन समस्याओं की मैं बात करता हूं। एक तो ये है जी टोल की, जी ये बार बार कह रहे हैं भाई टोल हटाएंगे, और ये गाय वाय की तो है समस्या जी। एक हमारी अनंदा के बाहर जी बहुत बड़े वो पानी के इश्यू बने हुए हैं जी, बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना जी, वहाँ दिक्कत होती है जी। वो ना बेस्टेक वाले बनाने देते कुछ, ना कोई बाहर के आदमी जिसकी जमीन है वो बनाने देते जी। और एक ये जो पशुओं का बहुत बड़ी समस्या है जी, और एक हमारी सोसाइटी में कोई आस पास दोनों तीनों सोसाइटियों में कोई मंदिर बन जाए जी, जगह मिल जाए छोटी मोटी, ये भी बहुत बड़ा इशू है जी। नास्तिक हत्या है हमारे बच्चे जी बगैर मंदिर के जी, बस ये ही है जी। इन तमाम समस्याओं को लेके आपने कहीं अपनी जो है जो शिकायत या फिर अपनी नाराजगी जो है व्यक्त की? करी है जी, बिल्डर से भी करी है, ये यहाँ भी करी है जी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा जी। क्या कहते हैं? करे जी करेंगे, मंदिर की तो कोई हाई नहीं भरता जी, जबकि पैसा हम अपनी पब्लिक अपनी तरफ से लगा रहे हैं, हमें तो सिर्फ एक जमीन चाहिए जी। और जो अनंदा के गेट के सामने है जी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और सर आपके यहाँ पर जो है आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ बन चुका है, ग्रीवेंस आप लोगों की तरफ से की गई है, अभी कोई समाधान नहीं हो रहा। टूटे रोड की मैं बात कर लेता हूँ, बस सभी समस्या चल रही है, कोई ध्यान नहीं किसी तरफ। जब आपने अपनी जो जीवन की गाड़ी पूंजी जब बिल्डर को सौंपी थी, तमाम जो है एमिनिटीज की बात कही होंगी, तमाम जो है रोड की बात कही होंगी, और जो पूरे एरिया की बात करूं डेवलपमेंट की बात कही हो, कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है जिस रोड से मैं आया हूं वो रोड भी काफी दयनीय स्थिति में है। हाँ, हम तो सोचा था बहुत बढ़िया है जहाँ, लेकिन अब कुछ भी वो लगता नहीं, जहाँ पर गाँव वाला माहौल है जहाँ पर। सफर कर रहे? सफर। सर एक बार अपना परिचय बताइए और किस तरीके से अभी भी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं सर परेशान है, आबीती आप तमाम लोग बता रहे हैं, उसमें चाहे महिलाओं की बात कर लूं, बुजुर्ग या फिर युवा हैं, वो चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लूं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। एसटीपी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी जो बाहर आप जो है अपने टैंकर से भिजवाना पड़ रहा है आपको, इसलिए हमको बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। और एक हमारा ये टोल का सबसे बड़ा इश्यू है, आज कितने साल से सुनते आ रहे हैं कि 3 महीने में हट जाएगा, 6 महीने में हट जाएगा, चीफ मिनिस्टर का न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि ये वहाँ पंचगांव में शिफ्ट हो रहा है, ये तो ये हाल हो गई कि हम बेडरूम से ड्राइंग रूम में जाते हैं तो टोल दे दो, ऑफिस जाते हैं ऑफिस से घर आते हैं टोल दो, अगर 2 बार आए तो 4 बार टोल दो। ये बहुत बड़ा इश्यू है टोल का, ये लगता है कि अब जिंदगी भर नहीं हटेगा जिस हिसाब से सुनने में आया। जब चीफ मिनिस्टर बोल गए वो बात नहीं चली, अब और आगे क्या सोचेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा इशू, बहुत बड़ा असर है। आप एक ही शहर में रह रहे हो, ड्राइंग रूम से बेडरूम जा रहे हो, टोल दे रहे हो, ये क्या इश्यू हुआ? परेशानी है, टाइम भी लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल न्यू गुड़गांव की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं काफी जो है घातक होती जा रही है। और टोल की बात करूं तो टोल कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इन तमाम लोगों के लिए है। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुकेश खुल्लर, ग्रैंड स्पा में रहता हूँ, और सभी भाइयों ने अभी आपको सारी परेशानियां बताई। जो आजकल नई परेशानियां आ रही हैं वो ये है कि एक तो ट्रैफिक सिग्नल्स की बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि हर क्रॉसिंग के ऊपर 20 से 25 मिनट खासकर पीक आवर्स में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और एक्सीडेंट प्रोन हो गए हैं, बड़े बड़े ट्रेलर्स बहुत चलते हैं। और दूसरा, इस पूरी रोड के ऊपर अगर रामपुरा से अगर हम एंटर करते हैं तो पूरे रास्ते में कहीं पर भी कोई साइनेज नहीं है, कहीं पर कोई मार्किंग नहीं है कि T1 कहाँ है, उसके आगे कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना है, तो वो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैव। एंड रोड्स की हालत तो बहुत ही खराब है, सेक्टर रोड्स बहुत टूटी पड़ी हैं। मैं हालांकि कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बताऊंगा कि अभी पिछले दिनों मैं जब गाड़ी चला रहा था शाम को, तो आगे खड्डा आ गया, नहीं नजर आया, खड्डे में गाड़ी जाने से मेरा रेडिएटर टूट गया और उसकी बंचिंग टूट गई, जिसके 17,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो ये रोड्स की हालत तो बहुत ही खराब है, जो ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
सर, क्या समस्याएं देखते हैं न्यू गुरुग्राम में, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ, कितने ऐसे लोग हैं जो इन तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं और परेशानी झेल रहे हैं दिन पर दिन? मेरा नाम रमन वाली है, ग्रैंड स्पा रेजिडेंट हूँ। हम लोग टॉल का जिक्र आया था अभी, तो ये जो सेंट्रल पेरिफेरल रोड है और ये द्वारका एक्सप्रेस वे शुरू होने वाला है, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग उधर से जाएंगे तो टॉल वाला समस्या खत्म होगी, लेकिन सारा ट्रैफिक इन आसपास की सोसाइटीज का उधर डाइवर्ट हो गया है। उधर डाइवर्ट होने से एक तो सड़क बहुत ही खराब है और दूसरा चौराहों पे बिल्कुल कोई रेड लाइट सिग्नल्स वगैरह नहीं है, और वहां इतना रश हो गया है कि हमें 10-10, 15-15 मिनट एक एक चौराहे पे वेट करना पड़ रहा है। तो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, उस सड़क को सुधारा जाए, और ए टॉल को तो शिफ्ट करना ही चाहिए ताकि हम इस रूट को भी यूज कर सके, क्योंकि सारा ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो रहा है। थैंक यू सर। क्या क्या समस्या है अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो है ग्रीवेंस रखी, और जिस तरीके से तमाम जो समस्याएं एक एक व्यक्ति ने वो अपनी आबीती बताई है, किस तरीके से वो महसूस करते हैं न्यू गुरुग्राम, कहने के लिए न्यू गुरुग्राम है लेकिन धरातल पर सुविधा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जीरो नजर आ रही है। नहीं, सभी समस्याएं जिन्होंने बताई हैं बहुत इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी मैं एक समस्या है जो इस ग्रांड्स पर आनंदा के बीच में एक कॉलोनी है, मैं तो उसको अवैध मानूंगा, और उसमें एक न्यूसेंस वैल्यू है उस कॉलोनी की, गंदगी, सैनिटाइजेशन कुछ भी नहीं है, मच्छर वहाँ पैदा होते हैं जो कि इन कॉलोनियों में आते हैं और ये बीमारी का कारण बनते हैं। दूसरी, जहाँ तक गाय की और इनकी समस्या हर्ट की बता रहे हैं, यहाँ एक मंडी भी है, फार्म मंडी, अगर जानवर को कोई चीज़ मिलेगी खाने के लिए तो वहाँ उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, और ये फिर सारी सोसाइटी के लिए न्यूसेंस वैल्यू होती है, वो मारते भी हैं और वो हॉस्पिटलाइज भी लोग होते हैं, बीमारियों का भी डर बनता है इससे। हाँ, स्वाभाविक चीज। हाँ, स्वाभाविक, ये बीमारियों का मैं बताया ना, मच्छर पैदा ज्यादा होंगे तो बीमारी आएंगी, वायरल इन्फेक्शन होगा, मलेरिया आएगा, ये सारी चीजें। इस पे ध्यान हमारे प्रेसिडेंट साहब ने काफी कोशिश करी लेकिन मानेसर जो म्युनिसिपल कमेटी है वो ध्यान नहीं देती इस विषय। सर अपना नाम बता दीजिए और किस तरीके से अब वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिल्डर हो या फिर गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो, उनको क्या अब मैसेज कन्वे करेंगे, क्या ग्रीवेंस आप उनके रखेंगे? मेरा नाम वीरेंद्र सजावला है और मैं ग्रैंड स्पा में रह रहा हूँ पिछले 5 साल से। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं तो हमने सोचा था शायद आ जाएंगी जब हम आए थे यहाँ पर, तो अभी तक जो सड़क भी बनी है तो वो कभी पूरी नहीं हुई है, सर्विस रोड्स है ही नहीं यहाँ पर। हम तो काफी सुनते रहते हैं डबल इंजन सरकार, वो सरकार यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है, कि अगर यहाँ पर सिंगल ही होता तो कम से कम काम होता, डबल इंजन सरकार का हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा एक भी रोड ऐसा नहीं है जिससे आप कनेक्ट हो सके, वो ठीक हो, बन भी रही है मगर पूरी कोई नहीं हो रही है। और दूसरी यहाँ पर एक समस्या तो जीवन की तो है ही, मरने की भी है, कि यहाँ पर कोई भी शमशान घाट नजदीक नहीं है और गांव में लेने नहीं देते हैं, और यहाँ से कम 20 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, उसकी भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो है ही, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया, हमसे म्युनिसिपल टैक्स लिया है, ईडीसी आईडीसी लिया है, मगर वो पैसा कहाँ गया है नोबडी नोस। तो बिल्कुल तमाम समस्याएं हैं भाई साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये अंतिम सवाल है कि अभी भी तमाम जो लोग हैं न्यू गुड़गांव में इसलिए वो यहाँ बसे थे कि उनको तमाम सुविधा मिलेंगी, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ यहाँ खाना पूर्ति की जा रही है, अभी भी समय रहते तमाम चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाता, तो किस तरीके से जो स्टेप लिया जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये अपनी उम्र भर की कमाई यहाँ लगा चुके हैं, क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र में एक व्यक्ति कमाना शुरू करता है और जब वो 58 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है तो वो ये सोचता है कि भाई मैं अपने रहने के लिए कोई एक ऐसा स्थान लूँ जो जहाँ सारी सुविधाएँ मुझे मिल जाए, और बिल्डर भी जब उनको अपना प्रोजेक्ट बेचना हो तो बड़े हसीन सपने दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो अपना प्रोजेक्ट बेच कर निकल जाते हैं और उसके बाद
जो अपनी उम्र भर की कमाई यहाँ लगा देता है वो इंसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जो इनके साथ धोखाधड़ी होता है। और ये एक बिल्डर नहीं, तमाम बिल्डरों की यही समस्याएं हैं। तो बिल्डर से भी ये है, नगर निगम अथॉरिटी से भी है, और हरियाणा सरकार से भी अपील है कि भाई आदमी इंसान जब अपनी उम्र भर की कमाई लगाए तो उनको ऐसा ना लगे कि उनको ठग लिया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये प्रार्थना है कि जो जो ये सुविधाएं यहाँ जैसी सभी लोगों ने बताई है, सीवरेज से संबंधित है, चाहे वो कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम समाधान करा सकते हैं और कराएंगे भी, कुछ पहले भी कराया था, कुछ जो बची उनका कराएंगे, लेकिन कुछ जो मेजर बड़ी समस्याएं हैं जिनको नगर निगम की अथॉरिटी और हरियाणा सरकार और बिल्डर तीनों मिलकर उसको कर सकते हैं, तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को इसके लिए ज्ञापन भी देंगे और सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर सहयोग भी करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल, ये थी न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 81 की बेस्ट एक की सोसाइटी, जिसमें कि तमाम जो लोग हैं अपनी ग्रीवेंस रख रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मूलभूत सुविधाएं ये इनको मिलनी चाहिए, और हम भी यानी कि इंडिया न्यूज हरियाणा भी तमाम अधिकारियों को कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा कि इनकी जो समस्या है उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, जिससे कि तमाम लोगों ने जो एक सपना देखा था कि इनका एक आशियाना हो, और आशियाने के साथ साथ मूलभूत सुविधा इनको मिले जो कि अब नहीं मिल पा रही। अगले एपिसोड में हमें और एक ऐसी सोसाइटी के लेके आएंगे जिसमें कि तमाम लोगों की जो समस्या है उसको उठाएंगे। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर।